हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर बैक विद दिस न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ सितंबर 2021 आर्स एग्जाम डेट्स। स्टूडेंट्स, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग ऑफ द रिव्यू एंड गेस वर्क ऑफ सितंबर 2021 आर्स एग्जाम डेट्स। एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ, एवरीवन कैन बाय इट एंड स्टार्ट प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, ओवरऑल एग्जाम के बारे में बात करें तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको पर्सनल मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको कौन सी सजेशन दूंगा आपको कि कौन सी एग्ज़ाम को बुक करना चाहिए और क्या से आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगा कि मैंने प्रीलिम प्रिडिक्शन वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ सितंबर मंथ में, थोड़ी सी लंबी है तो स्टूडेंट ने कम देखा, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है। जिसको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इंटरेस्ट है नीचे मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। जिनको एक इंटरेस्ट है अकेले प्रिडिक्शन वीडियो देखने के लिए तो वो यहाँ पर बैठ कर ये प्रिडिक्शन वीडियो देख सकते हैं, आप पर डिपेंड है आप क्या चाहते हो। आपका पर्सनल थोड़ी सजेशन दे रहा हूँ मैं, जो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट्स, एग्जाम बुक करना है ना आप 16 सितंबर का कीजिए, 4 सितंबर का कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर रिसेंट एग्जाम में भी देखा गया जो मिडिल डेट्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, फ्रंटल स्टार्टिंग वाले मिडिल डेट्स होती हैं, दोनों में ही एग्जाम ओवरऑल ईजी आते हैं। ठीक है, दोनों ही डेट्स में एग्जाम ओवरऑल ईजी ही आते हैं। और दूसरी बात कुछ मतलब ये मत बोलिएगा सर कि बाकी के हमारे के डिफरेंट डिफिकल्ट होंगे, ऐसे डिफिकल्ट नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके प्रिपरेशन पर। एक बच्चे के पहले 7-7 आए हैं तो अगर अगेन एग्जाम देगा तो मेरे रिव्यू अकॉर्डिंग में बोला कि टफ है तो क्या उस बच्चे का स्कोर रिजेक्ट हो जाएगा क्या। ठीक है, आपका डिपेंड है आपकी प्रिपरेशन कितनी है, अपने सेशन दे रहा हूँ आपको, अगर आप थोड़े वीक हो किसी मॉड्यूल में राइटिंग में रीडिंग में आपको ये एग्ज़ाम बुक करने चाहिए। ओके, बस आप पर डिपेंड है, आप कोई भी एग्जाम डेट बुक कर लीजिए, आप अपनी प्रिपेरेशन के ऊपर एग्जाम बुक कीजिएगा, ना कि किसी प्रडिक्शन पर ना किसी का सजेशन करने पर कि मैं ये एग्ज़ाम बुक कर लूँ। आपको कोई भी डेट बुक करनी है, आपको लगता है कि मैं फुल प्रिपेयर हूँ तभी आपको एग्जाम डेट बुक करनी चाहिए। अभी आप इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसको मटेरियल बाय करना है बाय कर से सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसको गैस वर्क बाय करना है वो भी आपको मटेरियल के साथ ही मिल जाएगा। गैस वर्क आपको मटेरियल के साथ ही मिलता है प्रिपरेशन के लिए, ऐसा नहीं कि आप गैस वर्क बाय करते हो आपको मटेरियल साथ ही मिलता है, ऐसा नहीं, आप बाय मटेरियल ही करते हो प्रिपरेशन के लिए। कुछ बच्चे बोलते हैं हम गैस वर्क हमको दो, गैस वर्क नहीं है स्टूडेंट्स, वो प्रिपरेशन के लिए ही डाटा है, ट्रू जाता है। ठीक है, मानता हूँ ट्रू जाता है, बट वो गैस वर्क काउंट नहीं होता स्टूडेंट्स, वो प्रिपरेशन के लिए ही काउंट होता है। तो आप मेरे से प्लीज़ गैस वर्क मत मांगा कीजिए, आपको डाटा मांगना है प्रिपरेशन के लिए मांगा कीजिए। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, तो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी बात करते हैं लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल्स के बारे में, जो बच्चे ना बहुत टाइम से लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि सर क्या हम एग्जाम ईजी होने वाले हैं, तो सभी के लिए गुड न्यूज़ ही बोलूँगा आपको मैं, क्या रिसेंट एग्जाम गया अभी अगस्त का भी गया, 12 अगस्त का एग्जाम भी गया, तो स्टूडेंट्स इतना डिफिकल्ट नहीं था, हमें लिसनिंग रीडिंग के आंसर भी अपलोड किए हुए हैं, आप चाहो जाके आंसर वगैरह भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल इतनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ी थी। ओके स्टूडेंट, आर स्टूडेंट टोल्ड मी दैट वेन एवर दे वर गोइंग टू राइट द राइटिंग ऐसे यू नॉट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी रिगार्डिंग देयर आइडिया पॉइंट ऑफ व्यूज वोकैबुलरी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे शुड यूज अबाउट टू गेट अ गुड मैन स्कोर, एवरीवन एलैबोरेटेड वेरी वेल एंड आई होप दे विल ऑल गेट अ गुड मैन स्कोर, डोंट वरी स्टूडेंट्स अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट स्पेंड मोर टाइम ऑन योर प्रिपरेशन। ओवरऑल बात करूँ तो ईजी ही आने वाली है, आई होप कि ईजी ही आए, जो जो चाहता है कि ईजी मॉड्यूल्स आए, ईजी सब कुछ आए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप एक लाइक कर दीजिएगा कि मेरे को मोटिवेट मिलना नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने का। ओवरऑल बता रहा हूँ कि ईजी ही आएगा, आई होप कि आपको भी ईजी आए स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए तो आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड करवा सकूँ मैं, आपको बेटर नॉल हैंड टू हैंड मिल जाए फिर एग्जाम में उसको रिटर्न कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कर देना, और बोलूँ ईजी ही आएगा, वो टॉपिक जिनको चाहिए गेस्ट वर्क चाहिए टास्क टू ऐसे के रिगार्डिंग, तो टास्क टू ऐसे के रिगार्डिंग टॉपिक देख लीजिए, जो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फूड, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, बिजनेस, दिस काइंड ऑफ टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए बढ़िया स्कोर लेने के लिए, बढ़िया स्कोर लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर लेने के लिए, टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, जिनको टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है कौन कौन से कैसे प्रिपरेशन करने हैं कैसे इंपॉर्टेंस होने से क्रिएट करने हैं, आप मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ये देखिए मैंने इंटरनेट पर एक चीज क्लियर की हुई है कि इंटरनेट इज एन इंडिसेंशियल पार्ट, ऐसे संडे से इंग्रेस है वो क्रिएट करना है ताकि वो बात को बेटर से लेबरेट कर पाओ, आंसर कर पाओ। जैसे कि मैंने एक सिंपल दे रहा हूँ, इंटरनेट इज एन इंडिसपेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग वर्क और स्टडी दैट इज नेसेसरी टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन देयर फ्यूचर अली बेटर लाइफ शेयर। अब देखिए इसमें क्या किया हमने एन इंडिस्पेंसेबल लगाया अपनी वोकैबरी को स्ट्रक्चर को बेटर दिखाने के लिए, प्लेथोरा ऑफ वोकैबरी का यूज़ किया, नेसेसरी का यूज़ किया, दैट का शार्टर यूज़ किया, विच भी लगा सकते हो आप, तो बेटर बेटर यूज़ करने की कोशिश की, स्कोर अपडेट में बहुत बढ़िया आएगा स्टूडेंट्स। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।